जब भी आपको कॉम्पिटेटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि लर्निंग विदाउट बर्डन, तो आंसर होता है यशपाल कमेटी। पर यह समझ लेना चाहिए कि यशपाल कमेटी 2 बार बिठाई गई है, जहां इसकी रिपोर्ट 2 बार बनी है और दोनों बार इसका पर्पज डिफरेंट था। नेम दोनों का ही नेम यशपाल कमेटी है, क्योंकि यशपाल जो इंडिया के एजुकेशनिस्ट और साइंटिस्ट थे वो इनके हेड थे। पहली जो कमेटी ये बैठी है वो है 1993 में। ओके, इसका नाम नेशनल एडवाइजरी कमेटी है, यशपाल इनके चेयरमैन। और मेन रिपोर्ट का नाम क्या था? लर्निंग विदाउट बर्डन। स्कूल टीचर और टेट के लिए ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होता है। तो ये एक हो गया लर्निंग विदाउट बर्डन, वेरी वेरी मोस्ट कॉमन जो क्वेश्चन पूछा जाता है। और इसका पर्पस क्या था? इंप्रूविंग क्वालिटी ऑफ लर्निंग इंक्लूडिंग द कैपेबिलिटी फॉर लाइफ लॉन्ग सेल्फ लर्निंग एंड स्किल फॉर्मुलेशन। तो दूसरी जो रिपोर्ट थी वो 93 के बाद 2009 में, 2009 वाली रिपोर्ट को 2008-09 की रिपोर्ट भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि अगर ऐसा कोई कमीशन या उसके 2 ईयर लिखे गए हैं, इट मीन्स जब कमेटी बिठाई गई, एस्टेब्लिश की गई, और जब उसने रिपोर्ट अपनी पब्लिश की या रिपोर्ट दी उसने, तो 2 ईयर हैं। जो लास्ट वाला है इस पर ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन यूजीसी में इस पर भी पूछा जा सकता है और ये ऑप्शन ना डाली जाए। तो इनका फर्क आपको पता होना चाहिए। तो ये 2009 में जो यशपाल कमेटी बैठी है उसका नाम क्या था? कमेटी टू एडवाइज ऑन रेनोवेशन एंड रिजनवेशन ऑफ हायर एजुकेशन। दैट इज वाई इसका नाम मैंने वीडियो का रखा है यशपाल कमेटी ऑन हायर एजुकेशन। चेयरमैन यशपाल और यशपाल कमेटी रिपोर्ट एजुकेशन टू एडवाइज द रेनोवेशन एंड रिजुवेनेशन ऑफ हायर एजुकेशन। पहली रिपोर्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मानी जाती है। कारण ये है कि ये रिपोर्ट बेस बनती है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 का, क्योंकि एनसीईआरटी ने 2004 में डिसाइड किया था कि जो रिपोर्ट है उसके बेस पर जो ये करिकुलम को रिवाइज किया जाएगा। और ये मेन डिफरेंस है। इसके अलावा जब भी यशपाल कमेटी की बात आती है तो आप होलिस्टिकली कंस्ट्रक्टिविज्म, सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म और कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन, ये बातें याद कर सकती हैं। एक्टिव लर्निंग है ना, ये सब कुछ याद कर सकते हैं, ये राइट आंसर हो गए। अगर इस वीडियो के क्वेश्चन में से यशपाल का नाम मिटा दिया जाए तो बाकी टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन बन जाते हैं, जो जनरली टेट नेट में नॉर्मली पूछे जाते हैं। दैट इज वाई ये वीडियो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और मेन पॉइंट क्या है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट ने यशपाल कमेटी सेटअप की। दूसरा पॉइंट है, इसका नाम है पीछे कर चुके हैं, रिपीट नहीं करूंगा। कब है? 2009 को। तीसरा पॉइंट ये भी रिपीट हो रहा है। फोर्थ पॉइंट ये भी रिपीट हो चुका है, रिनाउंड इंडियन साइंटिस्ट एंड एजुकेशनिस्ट। जो मेजर रिकमेंडेशन है यशपाल कमेटी की ऑन हायर एजुकेशन है, ये बता दूं के जो स्कूल एजुकेशन पर 93 पर है उसका डिफरेंट वीडियो है, नीचे लिंक होगा। फर्स्ट इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वही डिस्कस करूंगा। फर्स्ट आपने डीम जरूर लिख लेना है, क्योंकि यशपाल कमेटी ने डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटीज को, डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटीज क्या होती हैं? जो रेगुलर यूनिवर्सिटीज चल रही हैं, तो यूजीसी एक स्टेटस देती है जिसको डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी कहा जाता है। वो यूनिवर्सिटी अपनी डिग्री प्रोवाइड कर सकती हैं। जैसे ये डेफिनेशन है, इंस्टीट्यूट हैज बिन ग्रांटेड परमिशन टू ऑफर इट्स ओन डिग्री प्रोग्राम। जैसे हमारे कॉलेजेस एफिलेटेड है, वो उस यूनिवर्सिटी वो डिग्री प्रोवाइड करती है। तो डीम टू बी यूनिवर्सिटी एक छोटी ऐसी यूनिवर्सिटी है जिसको दूसरी यूनिवर्सिटी के बराबर रख के वो अपनी डिग्रीज वो जो है प्रोवाइड कर सकती है, अकॉर्डिंग टू यूजीसी एक्ट 1956।
अच्छा, यशपाल कमेटी ने क्या कहा? वो कहते कि डीम्ड यूनिवर्सिटी का स्टेटस अबंडन कर दो, दो ऑप्शन उन्होंने दी, जहां तो इनको फुल फ्लेज यूनिवर्सिटी में कन्वर्ट कर दो, जहां इनको स्क्रैप कर दो, खत्म कर दो। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि यूनिवर्सिटी डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटीज को जो स्क्रैप करने के लिए किसने कहा? यशपाल कमेटी ने। द रिपोर्ट ऑल्सो सेट द जी आर लाइक टेस्ट नीड टू बी इवॉल्व फॉर द पर्पज ऑफ यूनिवर्सिटी एजुकेशन। हाँ, ये इम्पॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन नॉर्मली कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा जाता है। डिफरेंट एजुकेशनल बॉडी है, एनसीटी टीचर एजुकेशन की है ना, AICTE, UGC, अदर दूसरी बॉडीज भी हैं, तो इन्होंने सभी बॉडीज को रिप्लेस करके एक बॉडी बनाने के लिए कहा, जिसका नाम कमीशन फॉर हायर एजुकेशन एंड रिसर्च। हायर एजुकेशन की सभी बॉडीज को मर्ज करके एक बॉडी बना दिया जाए और इसके 7 मेंबर्स होंगे। तो ये तब काफ़ी बात चली थी कि 2010-12-11 के करीब के अब यूजीसी खत्म हो जाएगी। तो ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ने भी ऐसी न्यू बॉडी बनाने का, जो अमरेला बॉडी होगी, सुजेशन दिया है। नेक्स्ट मेन पॉइंट है कि जो एजुकेशन सिस्टम है, नया रेगुलेशन है, वो पॉलिटिकल प्रेशर से फ्री हो। नेक्स्ट पॉइंट है, जो कमीशन फॉर हायर एजुकेशन एंड रिसर्च का चेयरमैन है, इसकी पोजीशन किसके इक्वल हो? हाँ, कमिश्नर के इक्वल। दो पॉइंट मेन मेरे ख्याल में दिखाई दिए हैं जो रिकमेंडेशन है, एक डीम्ड यूनिवर्सिटी का और एक ये जो अम्ब्रेला बॉडी बननी है। नेक्स्ट इज नॉट टू मच इम्पॉर्टेंट, यूनिवर्सिटीज मस्ट टेक अप ऑल द रिस्पॉन्सिबिलिटीज रिस्ट्रिक्टिंग द जरिस्डिक्शन ऑफ द अदर रेगुलेटर सच एज बार काउंसिल ऑफ इंडिया, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया एटसेट्रा टू एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर अलोन। अच्छा, द रिपोर्ट तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट कहा जा सकता है कि IIT और IIM शुड बी एनकरेज टू डाइवर्सिटी एंड एक्सपेंड देयर स्कोप टू वर्क एज फुल फ्लेज्ड यूनिवर्सिटीज। तो ऐसी बातें जो हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी में की गई हैं, इसकी एक्सरसाइज करेंगे, कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, ईजी क्वेश्चन है, वेरी सिंपल क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि यशपाल कमेटी हायर एजुकेशन वाली कब बैठी थी। अगर दो ऑप्शन है कब बैठी थी तो आंसर ये होगा, अगर रिपोर्ट सबमिट कराई है तो आंसर ये होगा। नेक्स्ट है, यशपाल कमेटी 2009 रिकमेंडेड द प्राइमरी फोकस ऑन विच लेवल ऑफ एजुकेशन, प्राइमरी एजुकेशन, सेकेंडरी, हायर, टेक्निकल। कंफ्यूजन दूर है। अगर तो कमेटी जो है 1993 वाली है तो सेकेंडरी एजुकेशन उसका आंसर होगा, अगर 2009 है तो हायर एजुकेशन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यशपाल कमेटी एम टू रेनोवेट एंड रिजुवेनेट विच एस्पेक्ट ऑफ हायर एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, सिलेबस, टीचिंग मेथड, अबाउट ऑल ऑफ अबव। नॉर्मली ऑल ऑफ अबव राइट आंसर होता ही है, यहाँ भी कुछ टीचर, ईजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, ये इंफॉर्मेशन लेवल के क्वेश्चन हैं, ब्लूम की लोएस्ट लेवल जो होता है। अच्छा, व्हाट वाज द कमेटीज व्यू ऑन करिकुलम इन हायर एजुकेशन, मेंटेन द एग्जिस्टेंस करिकुलम लोड, इंक्रीज द करिकुलम लोड, रिड्यूस द करिकुलम लोड, नो स्पेसिफिक रिकमेंडेशन ऑन करिकुलम। तीन चार तरीके हैं इस ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। पहला हिंट तो पहले ही दिया गया है कि इसका नाम ही वो, बेशक स्कूल एजुकेशन पर था लेकिन सेम हेड हैं उनके रहे, नेचुरली के करिकुलम लोड कम किया जाएगा, इवन 2020 पॉलिसी ने भी लोड कम करने के लिए कहा है। तो दूसरा, कैसे ही ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, जो ओपोजिट है, ये इंक्रीज और रिड्यूस, ये एक दूसरे के ओपोजिट हैं और राइट आंसर इनमें छुपा होता है। तो नेचुरली जो बेस्ट बनता है कि करिकुलम का लोड बढ़ाना नहीं है, हमने कम ही करना है, राइट आंसर ये बनता है। नेक्स्ट चलते हैं, यशपाल कमेटी प्रपोज द शिफ्ट फ्रॉम एग्जामिनेशन ओरिएंटेड सिस्टम टू प्रोजेक्ट बेस्ड एवेल्युएशन, कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव एवेल्युएशन, सब्जेक्टिव बेस्ड एवेल्युएशन, मेरिट बेस्ड एवेल्युएशन। वेरी सिंपल, मैंने पहले भी नुक्ता बताया था कि कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव एवेल्युएशन जो इन्होंने सुजेस्ट किया था, वो इंडिया में CBSE ने बाद में अप्लाई भी किया, लेकिन हम कितनी सक्सेस हासिल कर चुके ये डिफरेंट बात है। तो बी, तत् एंड व्यापक मूल्यांकन है ना। दूसरा आपको लग सकता है कि प्रोजेक्ट बेस्ड एवेल्युएशन, लेकिन वो इसका पार्ट बन जाता है। तीसरा, इसको सॉल्व करने के लिए लॉन्ग
टेल पर भी फोकस करते हैं, कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, सबसे लंबी यही बनती है, लेकिन ये तब सोचना है जब रीजनिंग नॉलेज आपके नॉलेज नहीं है, रीजनिंग लग चुकी है, उसके बाद सोचना है। यशपाल कमेटी एम्फेसाइज द नीड फॉर रोट मेमोरी ऑलवेज, ये हमेशा ही गलत होगा, रोट मेमोरी लेक्चर बेस्ड ऑलवेज गलत होगा, इंडिविजुअल लर्निंग पर हाँ हो सकता है, लेकिन उन्होंने नहीं दिया, एक्टिव लर्निंग पर जोर दिया है। मैंने कहा था कंस्ट्रक्टिविज्म को याद रखना है, सक्रिय सीखना। यशपाल कमेटी रिकमेंडेड रिड्यूसिंग द बर्डन ऑफ करिकुलम बाय एलिमिनेटिंग ऑल करिकुलर एक्टिविटीज, एक्सेसिव टर्म ऑल आ गया, सबको एलिमिनेट कर दोगे, नॉनसेंस बन गई। स्ट्रीमलिंग द सिलेबस, ये बी पार्ट है, पाठ्यक्रम को सुव्यवस्थित दोबारा ना रीऑर्गेनाइज करना, तो ये मीनिंग फुल यहाँ से मुझे दिखाई दिया, इसको टिक कराऊँ एज ए राइट आंसर। एडिंग मोर सब्जेक्ट टू द करिकुलम, अगर रिड्यूस करना है तो ऐड कैसे करोगे, इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ एग्जामिनेशन नहीं होगा, राइट आंसर इज स्टिमलिंग द। यशपाल कमेटी 09 प्रपोज द इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच टू एजुकेशन, देखिए मल्टी डिसिप्लिनरी 2020 ने है, इन्होंने इंटरडिसिप्लिनरी है, वैसे ही इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच ज्यादा मर्ज सब्जेक्ट्स को ज्यादा क्लोज लाने में का कंसेप्चुअल अगर इसका आस्पेक्ट देखते हो तो है ना, तो ये क्या है इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच टू द एजुकेशन, इसमें कुछ नहीं है। इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच की आपको डेफिनेशन पता होना चाहिए, नैरो डाउन द स्टूडेंट्स फोकस टू सिंगल सब्जेक्ट, नहीं, अगर इंटर है एक डिसिप्लिन एक सब्जेक्ट और उसका दूसरे सब्जेक्ट के साथ रिलेशन, उसका तीसरे के साथ रिलेशन, तीसरे का इसके साथ रिलेशन, इनका आपस में रिलेशन, ऐसे तो ये नहीं होगा, सिंगल वाला रिजेक्ट हो गया। एनकरेज द स्टूडेंट टू मेक कनेक्शंस अक्रॉस सब्जेक्ट, ये गुड वाला है, इसको अभी टिक कर रहे हैं। लिमिट द स्टूडेंट्स एक्सपोजर, लिमिट क्यों करना है, नेगेटिव है। प्रमोट रोट, ये भी नेगेटिव है, कनेक्शन वाला बी इज राइट आंसर, डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है। 10th क्वेश्चन, यशपाल कमेटी 09 स्ट्रेस द इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोफेशनल डेवलपमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव पेरेंट नॉन टीचिंग स्टाफ टीचर, राइट आंसर इज, मेरे ख्याल में सबका सही होगा, हाँ टीचर, अध्यापकों का। यशपाल कमेटी 09 प्रपोज द इंटीग्रेशन ऑफ टेक्नोलॉजी इन हायर एजुकेशन, देखिए एक क्वेश्चन आपको एक फीचर बता रहा है और कुछ नहीं है, ये लर्न करने का एक तरीका ही है। रिप्लेस ट्रेडिशनल टीचिंग मेथड, ऐसे कभी भी नहीं पूरी तरह किए जा सकते, लेकिन छोटा सा टिक लगा सकते हैं, नहीं हो सकते। रिड्यूस द नीड फॉर फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, नहीं, ऐसा भी नहीं है। एनहांस द टीचिंग एंड लर्निंग एक्सपीरियंस, ये वाला है, ये यशपाल कमेटी ने कहा है, यस, अगर ये टीचिंग एप्टीट्यूड का क्वेश्चन होता तो भी ये राइट आंसर होना था। इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ एजुकेशन, वाई भाई, क्यों, गरीबों ने पढ़ना नहीं है। यशपाल कमेटी 09 रिकमेंडेड इन्वेस्टिंग द इन विच ऑफ द फॉलोइंग एरिया, लाइब्रेरी एंड लेबोरेटरीज, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस, स्पोर्ट्स फैसिलिटीज, कैफेटेरिया, मेरे ख्याल में लॉन्ग टर्म को तो नहीं, वैसे मीनिंगफुल सबसे ज्यादा ये है, इनको रिकमेंड किया था, पुस्तकालय एंड प्रयोगशालाएं। यशपाल कमेटी 09 एम टू मार्क हायर एजुकेशन एक्सक्लूसिव कॉम्पिटेटिव इंक्लूसिव ट्रेडिशनल मोस्ट इंपॉर्टेंट, इंक्लूसिव वर्ड इज मोस्ट इंक्लूसिव, 2020 पॉलिसी भी यही कह रही है, दैट इज वाई यशपाल कमेटी के बाद 2005 का नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क बना, जिनमें कंस्ट्रक्टिविज्म, सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म के बेस पर सारी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस एजुकेशन को एक्सप्लेन किया गया है, वैसे ही उसके बेस पर बेशक कहा जा रहा है न्यू एजुकेशन पॉलिसी और नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2023, लेकिन इतनी ओवरलैपिंग रेपिटेशन है, वो रेपिटेशन का कारण यही है कि यशपाल कमेटी ने जो सुझाव दिए थे वो आज तक वो कंटिन्यू रहे हैं। यशपाल कमेटी 09 प्रपोज द इवेल्युएशन मेथड दैट इंक्लूड्स फाइनल एग्जाम ओनली, जहां ओनली आ गया वहां शक करना हमेशा ही कि वो रॉन्ग आंसर होगा। ग्रुप डिस्कशन, देखो ग्रुप डिस्कशन अच्छी है, लेकिन ओनली ने इसको गलत कर दिया। कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, वेरी इजी,
यशपाल कमेटी एडवोकेटेड फॉर ए करिकुलम दैट फोकस्ड ऑन स्पेशल नैरो स्पेशलाइजेशन। देखिए नैरो स्पेशलाइजेशन, स्पेशलाइजेशन हमारा डिसिप्लिनरी अप्रोच का है, एक सब्जेक्ट को मॉर फॉर एग्जाम्पल साइकोलॉजी है उसकी इन डेप्थ स्टडी करते हैं ना, तो इंटरडिसिप्लिन में आप ऐसे डीप मेमोराइजेशन, ब्रेथ एंड डेप्थ ऑफ नॉलेज, वोकेशनल ट्रेनिंग ओनली, ओनली ने कह दिया कि यही सी वाला राइट आंसर है। नेक्स्ट है यशपाल कमेटी 09 रिकमेंडेड द इंटीग्रेशन ऑफ विच सब्जेक्ट, साइंस एंड ह्यूमैनिटीज, ह्यूमैनिटीज ओनली, आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज, साइंस एंड, डी वाला राइट आंसर है। यशपाल कमेटी 09 प्रपोज द शिफ्ट फ्रॉम टीचर सेंटर टू लर्नर सेंटर या स्टूडेंट सेंटर, ये स्टूडेंट सेंटर रहा। यशपाल कमेटी 09 एम टू प्रमोट विच स्किल अमंग स्टूडेंट्स, मेमोराइजेशन की स्किल नहीं, हालांकि ये भी होनी चाहिए, हमारे एग्जाम ऐसे होते हैं। तो जो टॉप मोस्ट ब्लूम की टैक्सोनॉमी है क्रिटिकल थिंकिंग है, है ना, तो कंस्ट्रक्टिविज्म मैंने कहा था, सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म कहा था, वो भी क्रिटिकल थिंकिंग को डेवलप करने पर जोर देते हैं। और ये नैरो वाले हैं मेमोराइजेशन, लिसनिंग, रिप्रोडक्टिंग, रिप्रोडक्शन स्किल, तो ये वाले वीक हैं। नेक्स्ट है यशपाल कमेटी स्ट्रेस ऑन इम्पॉर्टेंस ऑफ रिड्यूसिंग स्ट्रेस एंड इंक्रीजिंग कॉम्पिटिशन अमंग स्टूडेंट, फोकसिंग सोनली ऑन, सोनली, सोनली का मतलब ओनली, तो ये इसने शक कर दिया कि गलत होगा, ऑन एकेडमिक प्रमोटिंग मेंटल वेलबींग, ये वाला भी ठीक लगता है, इंक्रीजिंग कॉम्पिटिशन, कॉम्पिटिशन को नहीं हमने कोऑपरेशन को, अगर सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म कोऑपरेशन को करना है, दैट इज वाई ये भी गलत हो गया। और एनकरेजिंग स्टैंडर्डाइज्ड, इंडिविजुअल डिफरेंस को फॉलो नहीं करोगे कि एक बच्चा दूसरे, स्टैंडर्डाइज टेस्ट है कि सेम टेस्ट सभी बच्चों के लिए, तो राइट आंसर प्रमोटिंग मेंटल वेलबींग, बर्डन करिकुलर का कम होगा तो मेंटल वेलबींग बेटर होगी। नेक्स्ट है क्वेश्चन, हिंदी वाले भी देख लो भाई, ये रहे ये रहे ये रहे और ये रहे और ये रहे। लास्ट क्वेश्चन है यशपाल कमेटीज रिकमेंडेशंस वर मेनली फोकस्ड ऑन रूरल हायर एजुकेशन, अर्बन हायर एजुकेशन, प्राइवेट हायर एजुकेशन, पब्लिक हायर एजुकेशन। मैंने कहा था दो विरोधी होते हैं, यहाँ पर विरोधी ये बन रहे हैं, विरोधी है, लेकिन कॉम्प्रिहेंसिव कौन से हैं, इनसे ज़्यादा ये कॉम्प्रिहेंसिव है। अगर इनको दोनों को कंपेयर करें तो सबसे ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव कौन सा है, पब्लिक हायर एजुकेशन, राइट आंसर इज। बाकी का क्वेश्चन यशपाल कमेटी के थोड़े डिफिकल्टी लेवल नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो थैंक यू डॉक्टर तीरथ सिंह, लर्न टू एक्चुलाइज।